सोते वक्त ब्लैंकेट के अंदर हॉरर स्टोरी सुनने में अलग ही मजा है, और अगर वो स्टोरीज रियल हो तो उसमें और ज्यादा मजा है। बाय द वे, अगर आपको गर्मी लग रही है तो ब्लैंकेट के बाहर एक पैर निकल के आप वीडियो को देख सकते, कोई वूद आपके पैर को नहीं छुए, डोंट वरी। नाउ मेरा नाम है ज़ायरो और मुझे हॉरर और क्रीपी वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज आप लोग जो स्टोरी सुनोगे उसमें मेरा पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस तो रहेगा ही, साथ ही साथ मेरे दोस्तों का फर्स्ट घोस्ट साइटिंग एक्सपीरियंस भी शामिल होगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्टोरी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है, उसमें आप अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। पिछले कुछ दिनों में मेरे फादर की हेल्थ बहुत बिगड़ गई और वो 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं एमटेक कर रहा हूँ और मेरे एग्जाम भी खत्म हो गए और मेरी छुट्टियां भी चल रही थी। मैं पूरा वक्त हॉस्पिटल में गुजारता था। वहाँ काफी टाइम बिताने के कारण वहाँ के स्टाफ के साथ मेरी अच्छी तरह से पहचान हो गई थी। हॉस्पिटल में एक आंटी आया करती थी जो सब साफ सफाई का काम करती थी। मैं जब भी हॉस्पिटल में बोर होता था तो मैं वेटिंग रूम में बैठा करता था और वहाँ पास में सारा स्टाफ भी मौजूद रहता था। वो आंटी अब मुझे अच्छे से पहचानने लगी थी और कभी कभी मेरे साथ बातें भी किया करती थी। बात करते करते हमारी बात शुरू हो गई भूतों पे, जो कि मेरा फेवरेट। उनके स्टाफ में एक लड़की थी जो एज ए इंटर्न वहाँ पे काम कर रही थी, वो भी मुझे थोड़ा बहुत जानने लगी। पर आंटी और मैं क्या बातें कर रहे हैं ये जानने के लिए वो हमारे पास आके बैठ गई, हमारी बातें होने लगी। आंटी ने हमें उनके लाइफ पे एक किस्सा सुनाया। करीब 20-22 साल पहले शी हैड अ बेबी, उनको एक बच्चा हुआ था, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब उनके घर में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक रात आंटी और उनके हस्बैंड समीर सो रहे थे तब उनका बच्चा अचानक से रोने लगा। रात के करीब 2 बज रहे थे और जब बच्चा रोता है मोस्टली उसे दूध पिलाने पर वो बच्चा शांत हो जाता है। तो समीर जो उठ के किचन में गए और उन्होंने दूध की बोतल गैस स्टोव ऑन करके उसके बाजू में रख दी ताकि वो गर्म हो सके, और आंखों पे नींद होने की वजह से समीर जी थोड़ी देर के लिए बेड पे जाके लेट गए। और उन्होंने सोचा मैं थोड़ी देर दूध गर्म होने तक बेड पे लेट जाता हूँ। अब बच्चे ने भी रोना बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद आंटी को उनके सपने में उनका भाई दिखा जिसकी डेथ 5-6 साल पहले ही हो चुकी थी। वो उनको चिल्ला चिल्ला कर उठने के लिए कह रहा था और उनको ये भी बात याद है कि उनका भाई उनको सपने में अगर तुम उठोगे नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा ऐसा कह रहा था। ये सब सुनकर वो अचानक से उठ गए और उठ के देखा तो पूरा घर धुएं से भरा हुआ था। आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका आवाज सुनकर उनके हस्बैंड उठ गए। दरअसल दूध की बोतल पूरी तरह से मेल्ट होकर आग लग गई। वो तीनों भी उस घर से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। मैं माइक हाथ में ले रहा हूँ, शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही। एनीवेज, आंटी की कहानी सुनकर आपको भी रियलाइज हुआ होगा कि ये इंसिडेंट आपके साथ या फिर किसी आपके रिश्तेदारों के साथ भी हुआ होगा। कई बार हमें हमारे ऊपर आने वाले खतरों के बारे में हमारे ड्रीम्स में ही पता चल जाता है। ऐसा बहुत बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आंटी की ये स्ट्रेंज स्टोरी सुन के मुझे और नेहा को काफी मजा आया था। फिर नेहा को भी उसके लाइफ का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस याद आया और उसने वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आपको अगर कहानी पसंद आ रही है तो हिट दैट लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। हाँ, वो चीज अभी ग्लो हुई ना, उसको ही प्रेस करना है। नाउ हम 12th के बाद अक्सर इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ बढ़ते या फिर डॉक्टर फील्ड की तरफ बढ़ते। नेहा को बचपन से ही डॉक्टर बनने में दिलचस्पी थी। नेहा का पूरा बचपन मुंबई में ही गुजरा था और वो मुंबई में ही पली बड़ी थी। नेहा ने जब 12th पास करी तो उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा और वो सपना उसने पूरा भी किया। नेहा के शुरुआती मेडिकल कॉलेज के दिनों में उसे अलीबाग में एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। वो बहुत खुश थी इस बात से क्योंकि उसका सपना सच होने वाला था। अलीबाग मुंबई से 1-2 घंटे की दूरी पे था और वहाँ रोज जाना थोड़ा कॉस्टली भी था। अलीबाग में मुंबई से बाई रोड भी जा सकते हैं और बाई बोट भी जा सकते हैं। एनीवेज, रोज इतना ट्रैवल करना नेहा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उसने अपना घर छोड़ के कॉलेज के हॉस्टल में रहने का फैसला किया। थोड़े दिनों बाद वो मुंबई छोड़ के अपना सब सामान शिफ्ट करके अलीबाग शिफ्ट हो गई। जब उसे वहां जाके हॉस्टल में रूम अलॉट हुआ तब उसके 2 रूममेट पहले से ही वहां रहने आ चुके थे। उनमें थोड़ी आपस में बातचीत हुई और तीनों भी आपस में फ्रेंड्स बन गए। नेहा बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन सुबह उसके 2 फ्रेंड्स कुछ आपस में बात कर रहे थे। नेहा उन्हें जाके ज्वाइन कर दी। नेहा उनसे पूछने लगी कि आपस में तुम क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने नेहा को बताया कि उन दोनों ने कल रात को फायल की छन छन आवाज़ रूम में सुनी थी और उन्होंने ये भी कहा कि ये आवाज़ उन्होंने रूम में पहले भी सुनी थी
नेहा को लगा वो दोनों रूममेट्स उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए नेहा ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन नेहा के मन में ये डाउट भी था कि शायद ये दोनों सच बोल रहे होंगे, तो क्योंकि नेहा अक्सर जल्दी सो जाती थी और उनके रूममेट्स लेट नाइट तक जगे रहते थे। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते, लेकिन एक दिन रात के 11:30 बज रहे थे और वो तीनों लड़कियाँ आपस में बातें कर रही थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अपना फ़ोन निकाल के वो फ़ोन पर टाइम पास करने लगी। अब रात के 1:30 बज चुके थे। नेहा अपने फ़ोन में मूवी देख रही थी। जब वो मूवी देख रही थी तब उसके रूममेट जगे थे, लेकिन नेहा को वो मूवी इतनी पसंद आई कि वो नेहा ने मूवी वापस जगनी शुरू कर दी। अब रात के 3:00 बज रहे थे। और नेहा को वॉशरूम जाना था। उनका हॉस्टल रूम 3 हिस्सों में बटा था, बेडरूम, किचन और लिविंग रूम। वो सारे लोग अक्सर लिविंग रूम में सोया करते थे, एक साथ सोया करते थे। नेहा वॉशरूम जाने के लिए उठी, लेकिन जो वॉशरूम था वो तीसरे रूम में था, तो नेहा थोड़ी डर रही थी वहाँ जाने के लिए। लेकिन फिर उसने क्या किया कि सारे रूम के लाइट जलाते गई ताकि उसको थोड़ा कम डर लगे। और ऐसे करते करते नेहा वॉशरूम में चली गई, और वॉशरूम में जाने के कुछ सेकंड बाद सारी लाइट्स ऑफ हो गई। नेहा बहुत ज़्यादा डर गई और अंदर से जल्दी से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने ये रियलाइज़ किया कि पूरे घर की लाइट चली गई। नेहा अंधेरे में खड़ी रह के ये सब सोच रही थी। फिर वो डर के भागते हुए अपने बिस्तर में चली गई और ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई। फिर उसको याद आया कि उसने वॉशरूम जाने से पहले सारे लाइट्स ऑन करे थे। अब नेहा ये सोचने लगी थी कि लाइट अगर वापस आती है तो घर के सारे लाइट्स रात भर ऑन रहेंगे। ये सोचकर नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उठ के बटन स्विच ऑफ करने के बारे में सोच रही थी, और तभी अचानक नेहा को पायल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा एहसास होने लगा कि कोई पायल पहन के उसके रूम में घूम रहा है। अब उसे पायल की आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई दे रही थी, जो उसके रूममेट्स ने कुछ दिन पहले मेंशन किया था। नेहा को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, और अचानक से लाइट्स वापस आ गई। नेहा ने जो अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा था वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, उसमें से लाइट आसानी से आर पार जा सकती थी और थोड़ा अंदर से बाहर की चीज़ें आसानी से देख पाते थे। जब नेहा को पायल की आवाज़ें आ रही थी तब लाइट्स नहीं थी, और थोड़ी देर बाद जब लाइट्स वापस आई तो नेहा के होश उड़ गए। उसे रूम के एक कोने में एक फिगर खड़ा हुआ दिखा। वो कह रही थी कि उसने एक औरत को देखा जो अपने सिर के ऊपर साड़ी ओढ़ी हुई थी, और वो बिना हिले डुले एक कोने में खड़ी थी। ये सब नेहा उसके ब्लैंकेट के थ्रू देख रही थी, और उसको इतना डर लगा कि उसके डर के मारे चीखें नहीं निकली। उसने अपनी आँखें बंद कर ली और बिना हिले डुले उधर ही लेट गई। और अगली सुबह जब सब लोग उठ गए तब सारी बातें उसने उसके रूममेट्स को बताई। वो ये सब सुनकर दंग रह गए, क्योंकि नेहा के रूममेट्स ने सिर्फ पायल की आवाज़ें सुनी थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। फिर बाद में कुछ ही दिनों में उन्होंने वो रूम खाली कर दिया, और फिर कुछ दिनों बाद वो पीजी में रहने लगे। ये कहानी सुनकर मैं तो दंग रह गया, इतना क्लोज एक्सपीरियंस, बाप रे। सो जैसे कि मैंने कहा, मैं एमटेक कर रहा हूँ और मेरे कॉलेज में भी अच्छे खासे दोस्त हैं। एक दिन हम कॉलेज में बैठे थे और ऑफ लेक्चर था, कोई लेक्चर्स नहीं होने वाला था, तो हम सब बैठ के से बातें कर रहे थे। और बातें करते करते किसी ने एक भूत का किस्सा सुना, और फिर सब अपनी अपनी कहानियाँ सुनाने लगे। उन सब में से मुझे मेरे दोस्त महेश की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं वो कहानी आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन आपको अगर वो कहानी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करना। मुझे बताएं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो कर लो, फिर मैं अगली स्टोरी बताऊंगा। एनीवेज, ये कहानी की शुरुआत होती है लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन जस्ट खुलने लगा था और लोग बाहर पढ़ने लगे थे, तो महेश और उसके दोस्त अक्सर बाहर खेलने जाया करते थे। उनको क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो एक पास के ही ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। और वो एक्चुअली ग्राउंड नहीं था, उन्होंने खेलने के लिए जगह भी कैसे चूज करी, देखो। वो एक पास के स्मशान में खेलने जाते थे। स्मशान मतलब मरने के बाद बॉडी को जलाया जाता है ना, वो जगह। स्मशान भूमि के आसपास अक्सर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा मैदान होता है, लेकिन उस जगह की एक खास बात थी, वह हिंदू के लिए आधी स्मशान भूमि थी और आधा मुस्लिम्स के लिए कब्रिस्तान भी था। और उन दोनों जगहों को डिवाइड करने के लिए बीच में एक दीवार बनाई गई थी। तो महेश और उसके दोस्त स्मशान के खुले मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि मैच लगाते थे दूसरी सोसाइटी के साथ और उसके ऊपर बैट लगाते थे। जो टीम हारेगी वो 500 रुपये देगी। ऐसे 3 मैच खेले जाते थे, और 3 में से जो टीम 2 मैच जीत जाती थी वो बैट जीत जाती थी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि जो पहला मैच था वो ये लोग जीत गए, और जो दूसरा मैच था वो लोग जीत गए, और जो तीसरा मैच जो था वो बीच में टाई हो गया। तो उन लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग सुपर ओवर खेलेंगे,
और सुपर ओवर में जो जीतेगा वही वो बैट जीत जाएगा। और महेश जिस टीम में था उनकी पहले बैटिंग थी, और जो इनकी बाउंड्री लाइन थी वो कब्रिस्तान की दीवार थी। सूरज ढलने लगा था और इनको फटाफट मैच खत्म करनी थी। तो बहुत बार क्या होता था कि कोई अगर सिक्स मारता था तो वो कब्रिस्तान की दीवार के पार बॉल चली जाती थी, और वो बॉल लाने के लिए दीवार चढ़ के जाने में बहुत टाइम लगता था। तो उनके पास टाइम भी कम था और अंधेरा भी होने लगा था, इसलिए उनके साथ एक लड़का था छोटू। वो टीम में खेल नहीं रहा था, वो बस उनके साथ आया था। उन्होंने उसे कहा कि छोटू तू पहले ही दीवार के पार चला जा, अगर कोई बॉल आएगी तो हमें हमारे पास फेंक देना ताकि हमारा टाइम बच सके। सब लोग वहाँ रोज खेलने जाते थे तो उस जगह से सब लोग यूज टू हो गए थे, किसी को ज़्यादा डर नहीं लगता था। तो जो छोटू था वो दीवार के पार जाके खड़ा हो गया, और जो दीवार थी वो थोड़ी ऊंची थी, उसको चढ़कर पार करना पड़ता था। और थोड़ी देर बाद किसी ने सिक्स मारा और वो बॉल गई कब्रिस्तान में। सब लोग वहाँ से आवाज़ देने लगे, छोटू बॉल फेंक बॉल फेंक। और थोड़े समय बाद छोटू ने बॉल वहाँ से फेंकी भी, गेम कंटिन्यू हुआ और महेश जिस टीम में था वो टीम जीत गई। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो सभी लोगों ने 500 रुपये जीते थे, लेकिन खुशी में वो ये भूल जाते हैं कि छोटू अभी भी कब्रिस्तान में ही था। उन लोगों ने वैसे ही साइकिल वगैरह निकाली और वहीं से घर जाने लगे। फिर आधा रास्ता जाने के बाद उनको याद आया कि छोटू अभी तक तो कब्रिस्तान में ही खड़ा है। सब लोग फटाफट उस ग्राउंड में वापस गए और दीवार चढ़ के छोटू को देखने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ पे छोटू को देख के लिटरली सबकी फट गई। छोटू वहाँ पर ही एक कब्र के किनारे बैठा हुआ था और बस वो उस कब्र को ही घूरे जा रहा था। सारे लोग छोटू को आवाज़ देने लगे, छोटू क्या कर रहा है, वापस आ जा। लेकिन छोटू ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा, दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी के वश में है। छोटू का ये सारा बिहेवियर देख के सब लोग डर गए थे, कोई भी नहीं चाह रहा था कि उसको उसके पास जाके उसको लेके आ जाए, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने थोड़ा टाइम सोचने के बाद डिसाइड किया कि हम घर जाके किसी बड़े को लेके आएंगे, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। वो फटाफट घर गए और एक किसी बड़े को लेके आ गए। फिर उस आदमी ने छोटू को उठाकर उसके अपने घर में लेके गए। छोटू की हालत घर में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, उसको कई सारे डॉक्टर किए लेकिन कुछ भी इलाज नहीं हो रहा था उसका। एट लास्ट उनके मम्मी पापा ने उसको एक बाबा के पास लेके गए, फिर उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। फिर जब उसकी तबीयत ठीक हुई तब ये सारे बच्चों ने उसको पूछा कि छोटू तो उस दिन क्या कर रहा था, तो एक कब्र के किनारे बैठा हुआ था और उसी को देख रहा था। तब छोटू ने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ था, किसी ने जब सिक्स मारा था तब तुम लोग सब चिल्ला रहे थे कि बॉल फेंको बॉल फेंको बॉल फेंको, तब मैंने बॉल को देखा, बॉल को जब मैंने उठाया तो मैंने बॉल फेंकते वक्त एक कब्र के ऊपर पैर रख के मैंने फेंका था, और जब मैंने मेरा पैर उस कब्र से हटाया तब मैं कब्र की तरफ देखने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कब्र मुझे अट्रैक्ट कर रही है, और वो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं उसको ही देखते रह गया। मैं उधर ही बैठ गया और उस कब्र को ही देखने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे कोई अंदर से बुला रहा है, वो मुझे चीज़ इतनी अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं उधर ही बैठ गया। तो ये थी मेरी फ्रेंड की कहानी, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रीपी लगी। तो अब आते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, जो कि वीडियो का टाइटल है। तो ये किस्सा है मेरे बचपन का। मैं बचपन में मेरे गाँव में, जो कि कोंकण में है, मैं गाँव में बहुत ज़्यादा घूमा करता, और हमारा गांव ज़्यादा सिटी में नहीं था, और हमारे कोंकण में घर के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा जंगल रहते। मैं जब भी मेरे गांव में यहाँ वहाँ घूमता था तो मुझे कुछ न कुछ ऐसा अजीब एहसास होते रहते थे। और ऐसे ही मेरे गांव में एक स्पॉट था जिधर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं जब भी वहाँ से गुजरता मुझे ऐसा एहसास होता कि कोई मुझे देख रहा है या फिर कोई मेरे पीछे से चल रहा है। ऐसी बात नहीं थी कि किसी ने मुझे कहा था कि वहाँ कुछ है इसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ उसके बारे में पता ही नहीं था, बस मुझे वहाँ पर डर लगता था। लेकिन समय बीतता गया और मैं इस बात को भूल भी गया। और रिसेंटली मेरे गांव के रिश्तेदार मेरे घर में आए थे, और जब वो आए थे वो हमारे गांव के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हमारे गांव में दो तीन ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। और ट्रस्ट मी, मुझे जहाँ पे डर लगता था उन्होंने उस स्पॉट का नाम लिया था। और ये सुनकर मेरे तो पूरे होश उड़ गए, मतलब मैं जो फील करता था, मुझे जो एहसास हो रहा था कि वहाँ कोई तो है, मुझे कोई घूर रहा है, वो एक्चुअली वहाँ पे सच में होता था। लेकिन क्या बताया, हमारे पैसिफिक ओशन में एक माउई आइलैंड है, और उस माउई आइलैंड पे एक वाइल्ड फायर लगी थी, और वो फायर इतनी खतरनाक थी कि उसने सारे घर जला दिए थे। लेकिन वो फायर की एक स्ट्रेंज बात ये थी कि कोई भी पेड़ नहीं जले थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर जले थे। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानी जाती है कि वहाँ पे वाइल्ड फायर नहीं लगी तो किसी बिलियनर्स ने वहाँ के रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के घर जला दिए, और इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे मैंने वीडियो बनाई। इस वीडियो को आप देख सकते हो, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।